प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी हैं। अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए सियासी समीकरण बनाने में जुटी हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के चुनावी मैदान में उतरने से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का होने वाला है। AIMIM के उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि AIMIM मुस्लिम इलाकों की सीटों को प्रभावित कर सकती है। ओवैसी भले ही उम्मीदवार 100 सीटों पर उतार रहे हों, लेकिन उनके निशाने पर मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का खुद को दावेदार बता रही है। हालांकि इन तीनों में समाजवादी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है। इन तीनों राजनीतिक दलों को इस बात का डर है कि कहीं ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटरों को सेंध लगाने में सफल हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के संरक्षण में बनी जन भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेगी। ओवैसी और उनकी पार्टी को बैक फुट पर ढकेलने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस ओवैसी की AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहती चली आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे वोट कटवा पार्टी कहती है। यह सिलसिला चुनाव प्रचार के दौरान भी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश करेगी कि ओवैसी की पार्टी को दिया उनका वोट एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगा दिया है। वे सोशल मीडिया के जरिए इस बात का प्रचार करेंगे कि ओवैसी की पार्टी कैसे वोट कटवा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ओवैसी से निपटने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लंबे समय से रणनीति बनाने में जुटे हैं। दोनों ही पार्टियां ये नहीं चाहती कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी AIMIM नुकसान करे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मुस्लिम वोटरों को बताएंगे कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों को समझाएंगे कि AIMIM कैसे वोट कटवा पार्टी है। यह मैसेज घर घर पहुंचाने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डर है कि यदि ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होने से इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता है। इसलिए कांग्रेस ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी और समाजवादी पार्टी वोट कटुआ साबित कर मुसलमानों को एकजुट रखना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।